हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ आज आप महसूस करेंगे कि किस तरीके से जीके के क्वेश्चन कनेक्ट किए जाते हैं करंट अफेयर्स से। अगर आप मुझे डेली देख रहे हैं तो आपको मालूम हो चुका होगा, अब मेरी ये क्लास हर रोज़ शाम को 8 बजे तक आपको मिला करेगी। दोस्तों, जब से मैंने दिल्ली पुलिस के पढ़ाना स्टार्ट किया, दिल्ली पुलिस के तब से 2 बैच जा चुके हैं लगभग। दिल्ली पुलिस में अभी तक मैं स्टूडेंट्स का लगभग 300 प्लस सिलेक्शन करा चुका हूँ, और उम्मीद है आगे भी आप लोगों को उसी तरीके से गाइड करता रहूँगा। यूपी पुलिस के भी बहुत मतलब अगर मैं यूपी पुलिस SSC GD वगैरह को काउंट करूँ तो सिलेक्शन की संख्या 1000 प्लस जा चुकी है। आज से अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में एक चेंज देखने को मिलेगा, और हर रोज़ आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। आप लोगों का खुद पर विश्वास आने लगेगा, और आपको मालूम चलेगा कि कैसे कंपटीशन में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, जीके को कहां से उठाता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप करंट अफेयर्स और जीके के देखते होंगे हर रोज़। कम से कम मैं बता सकता हूँ 2 से 3 हज़ार चैनल भारत के अंदर है जो हर रोज़ करंट अफेयर्स या जीके पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वो करंट अफेयर्स और जीके आपको पेपर में मिलती है, ये मायने रखता है। और मैं इसी गारंटी के साथ आपको चीज़ें कवर कराऊंगा, क्योंकि सब कुछ पेपर में नहीं आता है। हर रोज़ कम से कम 20 से 25 सवाल करंट अफेयर्स के बनते हैं, लेकिन क्या वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या पेपर में वे सवाल बनेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम के लिए सटीक जानकारी देने से चीज़ें का रिजल्ट निकल कर आता है, चीज़ों का रिजल्ट निकलता है। तो वही चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, और सबसे पहला क्वेश्चन बना है, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति कौन बन गए, तो ये क्वेश्चन पेपर में शायद ना पूछे, लेकिन इससे जब रिलेटेड फैक्ट्स हम मैं आपको कवर कराऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो लिख लीजिए रामचंद्र पौडेल जो है ये नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बन गए। किसको रिप्लेस किया है, ये पूछा जा सकता है कि नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति अभी हाल ही में किसकी जगह लेंगे। तो इससे पहले जो यहाँ पर राष्ट्रपति थे वे थे विद्या देवी भंडारी। कौन थी, विद्या देवी भंडारी, ये नाम आप याद रखेंगे, इनको इन्होंने रिप्लेस किया। अच्छा, हराया किसको है इन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए तो ये सुभाष चंद्र नेबांग को हरा कर ये तीसरे राष्ट्रपति बने हैं, सुभाष चंद्र नेबांग। चीज़ें नोट डाउन करिए, कॉपी बनाइए अपनी, वरना लास्ट में आप बोलेंगे मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। PDF अगर आप चाहते हैं तो उसका भी कमेंट करके दीजिए कि हाँ सर PDF भी प्रोवाइड करा दो। अब बात उठती है नेपाल की, मैंने कहा शायद राष्ट्रपति से क्वेश्चन ना बने, लेकिन अब जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वहाँ से कहीं ना कहीं आपको जीके में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको याद है माउंट एवरेस्ट, आप बोल सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी है इस समय पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर। ये किन दो स्टेट्स में अवेलेबल है, स्टेट्स का मतलब जब स्टेट्स बोला जाता है इंटरनेशनल बाउंड्री पर उसका मतलब होता है राज्य में, किन दो राज्यों में है, किन दो देशों में है, स्टेट्स का मतलब होता है देश। तो दोस्तों, ये है आपको मिलेगा नेपाल में, और दूसरा मिलेगा आपको तिब्बत में। इन दो देशों में एक तरीके से माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है, ये पेपर में पूछा जा चुका है, और तिब्बत में इसका क्या नाम है मालूम है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। नेपाल में इसको बोला जाता है सागरमाथा, आज के बाद आप याद रखेंगे सागरमाथा कहाँ बोला जाता है, नेपाल में, और तिब्बत में इसको बोलते हैं चोमो लुंगमा। तो माउंट एवरेस्ट को दो नाम से जाना जाता है, सागरमाथा और तिब्बत में चोमो लुंगमा। अब एक बार मैप भी आज से मैंने आप लोगों के लिए लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि आपको चीज़ें और जल्दी से याद होने लगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेपाल, ये है आपका नेपाल, और पेपर में एक बार पूछा गया था कि नेपाल क्या कैसा देश है, तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक, इसके चारों तरफ क्या है, जमीन है, कहीं से भी ये पानी से घिरा हुआ नहीं है, तो लैंडलॉक कंट्री है नेपाल। भारत के कितने राज्य इसको टच करते हैं, देखें यहाँ पर उत्तराखंड आपको टच करता हुआ नजर आएगा पहला राज्य, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आपको मिलेगा यहाँ पर बिहार, और चौथा ये जो राज्य आप देख रहे हैं ये है वेस्ट बंगाल, और पांचवा राज्य है सिक्किम। तो टोटल नेपाल को कितने राज्य टच करते हैं, 5। ट्रिक अगर याद रखनी हो तो नेपाल के अंदर आपको मिलेंगे 5 वर्ड्स, और यही 5 राज्य जो है नेपाल को टच करते हैं, यानी कि नेपाल 5 वर्ड से मिलकर बनाए, 5
लेटर से मिलकर बना है और पांच ही राज्य नेपाल को टच करते हैं, ठीक है। और चाइना के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कैसी कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री है। चीजें समझ में आई? यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया है। और अगर आपसे पूछे कैपिटल, तो काठमांडू जो है वो यहाँ का कैपिटल है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है नेपाल में और तिब्बत में, नेपाल के अब तीसरे राष्ट्रपति कौन होंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, किसको हराया है और किन दो देशों में माउंट एवरेस्ट स्थित है, ये सारी चीज़ें पहले जान क्वेश्चन से थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ये है कर्नल गीता राणा और फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली ये पहली महिला बन गई है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, उसका भी जवाब आपको देना है। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ईस्टर्न लद्दाख फील्ड वर्कशॉप है, क्या है? ईस्टर्न लद्दाख फील्ड वर्कशॉप है, जो कि चाइना बॉर्डर पर स्थित है और उसी की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई है कर्नल गीता राणा। ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ और नाम आप लोगों के सामने आ रहे हैं, जरा एक बार उन पर गौर फरमाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इनसे रिलेटेड न्यूज चर्चा में रही थी, जैसे कि शैलिजा धामी का नाम सुनकर कुछ आपके मन में आया या नहीं? तो ग्रुप कैप्टन शैलिजा धामी अभी लड़ाकू यूनिट, इंडियन एयरफोर्स की जो लड़ाकू यूनिट है वेस्टर्न सेक्टर की, उसको कमांड करने वाली पहली महिला बन गई है। तो इंडियन एयरफोर्स की एक कॉम्बैक्ट यूनिट है, ठीक है, उसको कमांड करने वाली वेस्टर्न सेक्टर की ये यूनिट है, उसको कमांड करने वाली पहली महिला कौन बनी? शैलिजा धामी। इसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। प्रिया कुमार कौन है? अभी हाल ही में इनको डीडी न्यूज का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। लिखते रहिए चीजों को। हेकानी जुकलू कौन है? नागालैंड के अंदर पहली बार क्या बना? पहली बार कोई महिला जो चुनाव जीती है एमएलए का, वो कौन बन गई है? हेकानी जुकलू। एमएलए का चुनाव जीतने वाली पहली महिला बनी है हेकानी जुकलू। और नागालैंड के अंदर पहली बार कोई 60 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला मंत्री बनी है, वो कौन बन गई है? सलहोतु ओनो क्रूसी। ये चारों नाम आप याद रखिएगा, पेपर में कभी ना कभी आपको देखने को ये मिल सकते हैं हाल फिलहाल में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का जो टारगेट है वो कम से कम है 100 लाइक्स का, ठीक है। अभी क्योंकि बच्चे हमसे थोड़ा कम जुड़ रहे हैं, अभी 1.5 साल बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, उम्मीद है वो इस वीडियो को शेयर करेगा और बताएगा कि कुछ चेंजेस जो मैंने इस वीडियो में आज किए हैं वो आपको कैसे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन स्टील किसे कहते हैं? ग्रीन स्टील क्या है? क्यों आया ये सवाल? बताता हूँ, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ग्रीन स्टील किसे कहते हैं दोस्तों? ग्रीन स्टील के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बांस के बारे में आपने सुना होगा, बैम्बू को ही ग्रीन स्टील के नाम से जाना जाता है। बैम्बू का पेड़ आपने देखा होगा, वो काफ़ी लंबा सा पेड़ होता है बैम्बू का, सीधा इस तरीके से। तो बैम्बू के पेड़ को, और ये किस श्रेणी में आता है? घास की श्रेणी में आता है। पेड़ काफ़ी बड़ा होता है, ऊँचा लंबा पेड़ होता है काफ़ी, लेकिन इस ये एक घास की श्रेणी में आता है और इसको ही ग्रीन स्टील के नाम से जाना जाता है। अब चर्चा में क्यों है, क्यों मैंने यहाँ पर इसका जिक्र किया है? तो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में एक सड़क है, नेशनल हाईवे है महाराष्ट्र के अंदर, और उस महाराष्ट्र के नेशनल हाईवे का नाम है वानी वरोरा। लिख लीजिए वानी वरोरा, ये नेशनल हाईवे का नाम है। और यहाँ पर आपने देखा होगा जब भी कोई हाईवे होता है उसके दोनों तरफ फेंसिंग की जाती है, एक तरीके से दीवार सी बना देती है लोहे की, ताकि कोई भी वाहन जो है सड़क से उधर ना गिर जाए, उसको मजबूत करने के लिए। अब वहाँ पर क्या किया गया, महाराष्ट्र में 200 मीटर लंबी फेंसिंग की गई है, किसकी? बैम्बू की। यानी कि एक तरीके से पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे और नेचुरल तरीके से लोहे की जगह किसकी फेंसिंग कर दी गई? बैम्बू की फेंसिंग कर दी गई, इसलिए चर्चा में रहा। दूसरा कारण चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि अभी बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट कार्यशाला का उद्घाटन भी हुआ है। लिख लीजिए बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट, BSD, बैम्बू सेक्टर डेवलपमेंट कार्यशाला का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है, इसलिए भी ये चर्चा में रहा है। तो दो चीज़ें हो गई जिस वजह से चर्चा में रहा। लेकिन अब सवाल बनते हैं, क्या ये चीज़ें पेपर में आ सकती है? तो मैं कहूँगा नहीं। पेपर में क्या पूछेगा फिर, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, पूछ सकता है बैम्बू ग्रीन स्टील के नाम से किसको जाना जाता है? बैम्बू को जाना जाता है, यानी कि बांस को। बांस किस श्रेणी में आता है? ये घास की श्रेणी में आता है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं, ठीक है, पेपर में जो सवाल बनेंगे
डायरेक्टली किस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, पुअर मैच टिम्बर को किस पुअर मैच टिम्बर के नाम से किसको जाना जाता है, आपको चार ऑप्शन दे देगा। पुअर मैच टिम्बर के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो भी बैम्बू ही है। भारत के अंदर इसकी कितनी स्पीसीज मिलती है, तो 148 तरीके की स्पीसीज मिलती है। बैम्बू उत्पादन में भारत का नंबर दूसरा है, पहले नंबर पर डाइवर्सिटी में चाइना है। सबसे ज़्यादा भारत में बैम्बू कहाँ पर मिलता है, किस राज्य में, वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देख रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ गए बैम्बू से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछेगा कि बैम्बू डांस किस राज्य में मनाया जाता है, बैम्बू डांस किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है बैम्बू डांस। तो दोस्तों इसके बारे में जरूर जान लें, ये जरूर नोट डाउन करें। बैम्बू डांस ओल्डेस्ट डांस है, यानी कि बहुत पुराना डांस है। कहाँ का? मिजोरम का। और इस त्यौहार का नाम क्या है, इस बैम्बू डांस का नाम क्या है मिजोरम में, इसका नाम है चिराव, CHERAW। पेपर में मिल सकता है हिंदी में लिखा हुआ चिराव, या फिर आप बोल सकते हैं चेरो। इन दोनों नाम में से कोई भी पेपर में लिखे सीधा टक कर देना कि बैम्बू डांस किस राज्य में किया जाता है, मिजोरम में। ओल्डेस्ट डांस है मिजोरम का, ठीक है, और इसको चिराव नाम से भी जाना जाता है। तो कितने क्वेश्चन कवर हो गए बैम्बू डांस से, आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी और आप डिफरेंस फील कर रहे होंगे जो आप बाकी चीज़ें पढ़ते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, जो फेंसिंग की गई थी ना, उस फेंसिंग को क्या नाम दिया गया था, बाहुबली। ठीक है, बाहुबली, ये भी आप याद रखिएगा, बाहुबली नाम दिया गया था उस फेंसिंग को। और जो बैम्बू उसमें यूज हुआ था उस फेंसिंग में, उस रोड के दोनों तरफ जो फेंसिंग की गई थी, उसका नाम था, उस बैम्बू का, उस बांस का नाम था बैम्बूसा फाल्को, बैम्बूसा फाल्को। चीजें क्लियर हो रही हैं, पसंद आ रही हैं, लग रहा है कि हाँ चीजें बदल गई हैं एकदम से, कुछ बहुत अच्छा पढ़ने लगे हैं, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये रिलेटेड है बिम्स्टेक से, और ये सवाल आपने पेपर में बहुत बार देखा होगा। कैसे कैसे आपने पूछ देखा होगा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पेपर में, आपने देखा होगा पेपर में बिम्स्टेक की कितने मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स ये पूछ लेता है। ठीक है, या इस तरीके से देखा होगा कि इनमें से कौन सा बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, ये सवाल पेपर में देखा है हाँ कि ना, कमेंट करके बताइएगा। बिम्स्टेक से रिलेटेड अगर आपने कोई पेपर दिया, कभी ना कभी कोई सवाल सामने आया है, कोई मॉक टेस्ट वगैरह में अगर आया है, तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो बात कर लेता हूँ बिम्स्टेक की। चर्चा में क्यों रहा, अभी 19th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, मंत्रियों की एक मीटिंग हुई, 19वीं मंत्रियों की एक मीटिंग थी, बैठक आप बोल सकते हैं। और ये इसको होस्ट किसने किया, थाईलैंड के अंदर ये हुई है, होस्ट किया है इसका थाईलैंड, थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में 19वीं मंत्रियों की बैठक हुई। भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है डॉक्टर राजकुमार राजन सिंह, डॉक्टर राजकुमार राजन सिंह ने इसमें भाग लिया है भारत की तरफ से। 19वीं बैठक जो हुई बिम्स्टेक की मंत्रियों की, इसमें डॉक्टर राजकुमार राजन सिंह ने भाग लिया। अब डॉक्टर राजकुमार राजन सिंह के पास कौन सा पद है, यह आप मुझे कमेंट करेंगे, थोड़ा सा गूगल कर लेना, पढ़ लो आप भी थोड़ा सा। ठीक है, अब बिम्स्टेक के ये क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, फुल फॉर्म क्या है, टोटल मेंबर्स कितने हैं बिम्स्टेक, और ये मीटिंग कब हुई, ये भी आप याद रख सकते हैं। 9 मार्च को ये मीटिंग हुई थी, कब हुई थी, 9 मार्च को। तो यहाँ पर मैंने कितनी चीज़ें बता दी, एक बार बताऊँ, बिम्स्टेक की मीटिंग हुई 9 मार्च को, कहाँ पर हुई, थाईलैंड में हुई, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। भारत की तरफ से किस मंत्री ने अटेंड की, डॉक्टर राजकुमार राजन सिंह ने अटेंड की। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक किए हमने। ठीक है, अब जो सवाल इम्पोर्टेंट है, वर्चुअली हुई थी वैसे, यहाँ पर मंत्री पहुँचे नहीं थे, वर्चुअली फ़ोन से एक वीडियो कॉल के तरह एक तरीके से आप समझ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था पेपर में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो लिख लो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बी से बना बे ऑफ बंगाल फॉर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, आई से बना इनिशिएटिव, उसके बाद आएगा फोर। ठीक है, एम से क्या बनेगा, एम से बनेगा मल्टी सेक्टोरल, एम से बना मल्टी, एस से बना सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल, टी से बना टेक्निकल, ई से बना एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। चीजें क्लियर, ये इसका फुल फॉर्म है, आप नोट डाउन करेंगे। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका आपको जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, ये आपको मिलेगा ढाका में,
ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है इसका सही हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश के अंदर स्थित है। कितने मेंबर्स हैं बिम्स्टेक के अंदर? टोटल 7 मेंबर्स हैं। कितने हैं? टोटल 7 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? बी से याद रखना 2 है, बी के अंदर 2। आप बी कैसे बनाते हैं? ऊपर एक गोला नीचे 2 गोला, तो इसी से याद रखना बी से 2 है, बांग्लादेश और भूटान। आई से आपका इंडिया, एम से आपका म्यांमार, एस से आपका श्रीलंका, टी से आपका बना थाईलैंड। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 6। अब सातवां कौन सा है? सातवां अलग से याद कर लेना, नेपाल। याद हो गए? पक्का याद हो गए होगे। बिम्स्टेक के कितने मेंबर? कमेंट करो, बहुत बढ़िया, सारे कमेंट किया करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्थापना कब हुई? बहुत बढ़िया, 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढाका बांग्लादेश में। फुल फॉर्म क्या है? वे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कौन सी मीटिंग हुई थी अभी? इसकी 19वीं मीटिंग हुई थी। कब? 9 मार्च को हुई थी। कहाँ पर हुई? थाईलैंड के अंदर हुई। और उसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष निकला कि भारत के अंदर एक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट खोला जाएगा। सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, ये कहाँ पर खोला जाएगा? भारत के अंदर खोला जाएगा सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है अब तक आपने लाइक कर दिया होगा। आज मुझे पूरे 100 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे, क्योंकि मेहनत बहुत की है। ठीक है, अब खेलो इंडिया 10 कदम, ये स्टार्ट हुआ है। खेलो इंडिया 10 कदम शुरू किया गया अनुराग ठाकुर के द्वारा। अनुराग ठाकुर कौन है आप मुझे कमेंट करके बता देना, इनके पास कौन सा मंत्रालय है अनुराग ठाकुर के द्वारा। ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू स्पोर्ट्स, यानी कि महिलाओं का स्पोर्ट्स में बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर खेल सके, इसलिए एक तरीके से इसको शुरू किया गया है। और इस टूर्नामेंट के लिए 50 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं। और ये टूर्नामेंट आप लोगों का जो चलेगा 10 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। और इसका मेन पर्पज मैंने बता दिया है, वुमेन एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि वो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर खेल सके। 10 शहरों के अंदर 10 स्पोर्ट्स होंगे, 10 शहरों के अंदर 10 खेल कराए जाएंगे। ठीक है, 10 स्पोर्ट्स हैं इसके अंदर, 10 शहरों के अंदर खेले जाएंगे, जिसके 100 इवेंट्स होंगे और लगभग 15,000 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। खेलो इंडिया 10 कदम 10 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। 50 लाख रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं। अभी एक बुक लॉन्च की गई है और इसका विमोचन किया है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। हमारे राष्ट्रपति जी कौन है इनमें से आप देख पा रहे हो? ये है हमारे राष्ट्रपति जी, जिनका नाम है जगदीप सिंह धनखड़। इन्होंने एक बुक का विमोचन किया है। कब? 9 मार्च को इस बुक का विमोचन किया गया था। और ये बुक किसकी है? फॉर्मर एमपी, जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर मैंने इनका नाम है करण सिंह, पहले ये सांसद रह चुके हैं करण सिंह, इनकी एक बुक है जिसका नाम है, आप नोट डाउन करें, मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मुंडका उपनिषद गेटवे टू इटर्निटी, गेटवे टू इटर्निटी, ये इस बुक का नाम है। मुंडका उपनिषद गेटवे टू इटर्निटी लिखी गई किसके द्वारा? कर्ण सिंह द्वारा। और विमोचन किसके द्वारा किया गया? हमारे जो राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप सिंह धनखड़, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। और आज का सवाल आप लोगों के लिए, जिसका कमेंट आप जिसका जवाब मुझे कमेंट करके बताएंगे, भारत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन का कर्ज दिया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? कमेंट करो, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और हाँ, ये भी कमेंट कर देना कि इससे कौन सी योजना को हेल्प मिलेगी और किन 7 राज्य के अंदर उसको एक तरीके से बूस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके, और किस तरीके से सवाल पेपर में बनते हैं उस तरीके से आपको आज मैंने पढ़ाया। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हर रोज़ 8 बजे के आसपास आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेगा, लेकिन सपोर्ट आपकी ज़रूरत है। 100 लाइक्स का आज टारगेट है। उम्मीद है आप सभी ने लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।